नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार और मैं उज्ज्वल जैन। जैसा कि आपको बताते चले, सीएए के समर्थन में आज अमित शाह के आह्वान पर जगह जगह समर्थन रैली निकाली गई है। वहीं हम आज बरेली की बात करेंगे। बरेली में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में आज बहुत ही विशाल रैली निकाली गई है। और बकायदा हम आपको बताते हैं, फोर्स एक तरफ थी और दूसरी तरफ एक हाथों में कड़ी लगाते हुए सारे कार्यकर्ता युवा मोर्चा के आज वहां पे रैली निकाला है। ये रैली दामोदर सेठ स्वरूप पार्क से होकर अटल चौक तक गई है। और आप देखिए इस रैली में बकायदा फोर्स किस तरीके से साथ उनके चला है, पूरा फोर्स, और बकायदा पुलिस प्रशासन भी सख्ती से इस पूरे रैली के साथ में रही है। देखिए संपूर्ण रिपोर्ट। भाग क्यों रहा है? अपने इस देश के गृह मंत्री जिनके नेतृत्व में जो 50 साल और 60 साल से पड़े हुए कानून, जो ऐसे बहुत सारे इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू समाज, जैन समाज, मुस्लिम समाज, पारसी समाज, ईसाई समाज के जो कार्यकर्ता और जो युवक थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जिनको खदेड़ने का काम हुआ और वो इस देश के अंदर आए और 60 साल से उनको नागरिकता नहीं मिली, ऐसे सभी लोगों को नागरिकता देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी द्वारा ये कानून लाया गया है। विपक्षी लोग मोदी जी के लिए कर रहे हैं वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण, कितना गलत है। आज जो मानव श्रृंखला बनाने का जिम्मा युवा मोर्चा ने लिया है वो सिर्फ इसलिए है कि हम आम जनता को बता सके, आम जनता को समझा सके कि जो कुछ विपक्ष कर रहा है वो अपनी दुकानें बचाने के लिए कर रहा है और कुछ भी नहीं है। विपक्षियों को लगने लगा है कि जिस तेजी से पूरे देश के हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, तो इस एकता को तोड़ा कैसे जाए, किस ढंग से देश को अस्थिर किया जाए, किस ढंग से देश को अराजक तत्वों के हाथों में सौंपा जाए ताकि भाजपा की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको कम कर सके।
एक व्यक्ति के पास जाकर अपनी बात कहेंगे, उन्हें बताएंगे कि सीएए से नुकसान सिर्फ उन लोगों का है जिन स्थान से जो मुस्लिम रोहिंग्या हमारे बीच में आ गए और हमारे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाना है। और जो हमारे देश के किसी भी जाति धर्म के नागरिक है उन सबको, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, सबको नागरिकता देकर उनको एक अच्छी जिंदगी देने का काम भाजपा सरकार करने जा रही है। इसका विरोध चंद मुस्लिम नेता और चंद विपक्षी ऐसे हैं करवा रहे हैं जो कि ये चाहते हैं कि मुस्लिमों के वोटों को इकट्ठा करके वो हमारी सरकार को ही ला पाए, जो कि असंभव सा लगता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति के पास जाए, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर में जाकर सीए का समर्थन बटोरेगा, उसकी जानकारी जिनको नहीं है चाहे वो किसी भी समाज के क्यों ना हो उनको जाकर देगा। और इस मुहिम में मोदी जी का साथ देकर, भाजपा का साथ देकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, देश को उन्नति के पथ पर ले जाएगा। अरे भैया, अरे बोलो भैया बोलो, भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद युवा मोर्चा, जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? जैसा कि देखा जाता है कि बीजेपी में बहुत कम मात्रा में मुस्लिम है ना, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप मुस्लिम होके बीजेपी में हैं, और तमाम तरीके के जो है आरोप भी लगते हैं मुस्लिमों के ऊपर बीजेपी की ओर से, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है तो हम अपनी विचारधारा के हिसाब से ही बोलेंगे। और जो मोदी जी कार्य करें वो बहुत अच्छा कार्य करें, और सीएए और एनआरसी का सबको समर्थन करना चाहिए। जो इस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं उनका, इसका विरोध करना बहुत गलत है। जो रजिस्टर बिल है उसका भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से नागरिक रह रहे हैं, और उसका इस सब का कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। और ये बाहर के लोग हैं जो सरकार है और विरोध कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और इसका हमें समर्थन। जिला मंत्री भाजपा, आज किस लिए आए थे यहाँ पे? आज यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो है मानव श्रृंखला के रूप में सीए बिल को जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है उसको समर्थन देने के लिए यहाँ पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए आज ये कार्यक्रम किया जाएगा। आपके एक नेता हैं गुलशन आनंद जी, जानते होंगे शायद आप, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ते दिख जाएगा तो उसे बंद करा दिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, क्या ये उनका कथन सही है? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जैसे अभी आपने पहले भी देखा होगा कि सड़कों पर जो अतिक्रमण जो होता है एक धर्म जो उस पर नाम उसके नाम पर, उनके कहने का भी है कि उसको प्रशासन और शासन जो है वो तो अपने स्तर से रोकेंगे, ना कि स्वयं उनके द्वारा। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र गंगवार। क्या कहना चाहेंगे आज के धरने के बारे में? आज का धरना हमारा सीए के समर्थन में है। जो हम हमारे देश जो भी कानून बनता है वो हमारी जनता की भलाई के लिए बनता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी सीए का कानून बनाया है वो हमारी देश की जनता की भलाई के लिए बनाया है, और ये किसी भी जाति धर्म के द्वेष भावना के लिए नहीं बनाया कि हम किसी जाति का नुकसान करेंगे। तो ये सभी की भलाई के लिए है, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये कानून बनने के बाद जो है पूरे भारत में एक अजीब सा माहौल हो गया है जिससे कि लोग भड़क रहे हैं बहुत सारे समुदाय के? हमारी पार्टी जो भी कार्यक्रम कर रही है वो सिर्फ जो जनता में द्वेष भावना फैला रहे हैं, जो इसके सीए के विरोध में जो अनर्गल बातें कर रहे हैं उसको समझाने के लिए कर रहे हैं, और विपक्षी पार्टियां इस मामले में लगी हुई हैं कि वो जनता को भड़काएं और तरह तरह से विवाद पैदा करें। हम लोगों का उद्देश्य ही यही है, जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है। गोली मारो सालों को, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय।
पीछे हो जाए डिवाइडर की तरफ, नितिन डिवाइडर इधर पीछे, जिंदाबाद जिंदाबाद। शक्ल तो देखना दीजिए।